धन इंडिया। राखी, यो तो महज एक धागा है ये, लेकिन दरअसल बेहद मजबूत डोर भी है जो एक भाई को अपनी बहन के साथ बांधती है, जिसके रेशों में एक भाई का वादा है कि वो अपनी बहन को हर तकलीफ हर परेशानी से बचाएगा, हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेगा। और ऐसा होता भी आया है। सदियों से ना जाने कितने भाइयों ने अपनी जान पर खेलकर अपनी बहनों की रक्षा की, लेकिन अदिति के सर पर ऐसी कौन सी मुसीबत मंडरा रही थी कि उसकी जान पर बने? क्यों सरेआम उस पर जानलेवा हमला किया गया? कौन था यह हमलावर और आखिर उसकी क्या रंजिश थी अदिति के साथ? चुपचाप यहाँ बैठो, अब दीदी तुम्हें राखी बांधेगी। अंशी बेटे, ये अपनी दीदी को दो। और मेरा गिफ्ट? अरे इडियट, राखी में सिर्फ बहनों को गिफ्ट मिलता है, भाई को नहीं। क्यों? सारे काम मुझे ही कर रहे हैं। आपकी देखभाल भी मैं करूं, आपकी रक्षा भी मुझे करनी, और आपको सारे गिफ्ट्स मिले, और मेरा क्या? तुझे मिलेगा ये पेड़ा, वो हाफ चड्डी, पूरी पैंट तो पहनता नहीं, बड़ा आया मेरी रक्षा करने वाला। मम्मी, मुझे तेरा और बिल्कुल पसंद नहीं, सारे गिफ्ट दीदी को ही मिलते हैं, सिवाय इस पेड़े के। अरे आशी बेटा, नाराज मत हो, तू भी ना उससे बार बार चिढ़ाती रहती है। वही हाफ चड्डी, इधर आ। आपने मुझे हाफ चड्डी बुलाया ना तो मैं कभी नहीं आऊंगा। इधर आना, आना। मेरे अंशुल को बुला लग गया। I'm so sorry. ये देखो, ये तेरा राखी गिफ्ट। दीदी, ये सचमुच मेरे लिए? हाँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। लेकिन आपने अभी तक अपना गिफ्ट क्यों नहीं खोला? खोलती हूँ। छी, ये कैसा गिफ्ट है? अरे तुमने तो दिया था। नहीं दीदी, ये मैंने नहीं दिया है, ये पापा ने दिया है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं आपको एक अच्छा सा गिफ्ट लाके दूंगा। लेकिन आपको चाहिए क्या? मेरा हाफ चड्डी जो भी मुझे देगा ना, मैं प्यार से रख लूंगी। आपने फिर मुझे हाफ चड्डी का, आपका गिफ्ट क्या? मेरे अंशु को बोले लग जाती है। अंशुल, इधर आ, मैं बांध देती हूँ। दीदी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खुद ही बांध लूंगा। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ा हो गया, इधर आ। लेकिन मुझे तेरी टाई बांधने में बहुत मजा आता है। अगर इतनी जिद कर रही हो ना तो बांध। ये हुई ना बात। अंशुल, अदिति, चलो चलो जल्दी, लेट हो रहा है। अदिति, तू ना अपने भाई को बिगाड़ के रख रही है। अरे तेरी चक्कर में ये जिंदगी में कुछ सीख भी नहीं पाएगा। माँ, ये मेरा भाई कम खिलौना ज्यादा है, ये तो मेरा गुड्डा है, गुड्डा। दीदी, कितनी बार का है, अब मैं पढ़ा होगा, किसी में मत किया। अच्छा मेरे भाई, बहुत लेट हो रहे हैं, चल जल्दी कर। अब चलो जल्दी जल्दी। भैया, वो वाली चॉकलेट देना। दीदी, मुझे ये वाली चाहिए। लेकिन वो वाली चॉकलेट ज्यादा अच्छी है। नहीं दीदी, मुझे ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए। नहीं, मुझे ये चाहिए। दीदी, कहाँ ना वाली चॉकलेट अच्छी है। नहीं दीदी, मुझे ये वाली चाहिए। दीदी, अंशुल चल यहाँ से। हाँ बेटा, इस बार बहुत मेहनत करनी है,
90% से ज्यादा तो नंबर आने ही चाहिए, वरना मेडिकल में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। जी पापा, जरूर। वैसे मैं तुमको कोटा भेज रहा हूँ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। बेटा बहुत पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, अब तुम पर ही हम सबकी उम्मीदें लगी हुई हैं। जी पापा। ये चॉकलेट कहाँ से मिला? मैं जब स्कूल से वापस आ रहा था ना तो मैंने ले ली। और हम भागे क्यों थे वैसे? वो बस ऐसे ही। लेकिन सुन, ये बात तू किसी को मत बताना वरना तेरा कल से चॉकलेट बंद, समझा? मुझे खुद कुछ नहीं पता, तो मैं दूसरों को क्या बताऊंगा? आ गए तुम लोग? अरे अदिति, क्या हुआ बेटा? और इतनी चोट कैसे लगी तुझे? वो सड़क पे ना, मां वो रोड पे मैं फिसल गई थी इसलिए गिर पड़ी। और ये चल चल, तुझे जल्दी से दवाई लगा देती हूँ, चल आजा। दीदी आज आपने फिर से झूठ क्यों बोला? चुप कर, आजकल तू बहुत सवाल जवाब करने लगा है। चल सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। मन चले लड़कों का लड़कियों के साथ छेड़खानी और बदतमीजी करना उनकी आदत में शुमार हो जाता है, और आमतौर पर लड़कियां भी इस बदतमीजी को चुपचाप सहन कर लेती हैं, और लोग भी ऐसी हरकतों को नजरअंदाज करने की सलाह देते हैं। लेकिन लड़कियों को यह समझना चाहिए कि उनकी चुप्पी से ऐसे मनचले लड़कों को प्रोत्साहन मिलता है। सभी महिलाओं से मेरी यह विनती है कि अगर ऐसी कोई भी घटना हो तो फौरन अपने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के दिलों में यह खौफ पैदा हो कि वो कुछ भी गलत करेंगे तो कानून की गिरफ्त में पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपकी चुप्पी कब किस बड़े जुर्म की वजह बन जाए ये कोई नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे कि अदिति नहीं जानती थी कि उसकी खामोशी का परिणाम कितना भयानक होने वाला है। तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ जाता है? पता तुझे लोग क्या कह के चढ़ाएंगे? अंशुल दीदी का पूछ। अच्छा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सोच लो, आपको लोग पूछ वाली कहकर बुलाएंगे। पहनता तू हाफ चड्डी है और बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करता है, तुझसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। तो तुम बहस करते क्यों? मेरे भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। लेकिन एक बात बताऊं, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी ना तो तेरी ये तीखी जुबान ठंडी हो जाएगी। अच्छा क्यों, आप कहाँ जा रही हो? मैं मेडिकल की कोचिंग की तैयारी के लिए जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम जहाँ भी जाओगी ना मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊँ। ओ मेरा पूछ, वैसे भी मैं तेरे बगैर कहाँ रह सकती हूँ। हाँ। चलो अभी हम लोग जाएंगे कोचिंग, फिर वहाँ से हम लोग अच्छे अच्छे चॉकलेट खाएंगे, ठीक है? हमारी फेवरेट चॉकलेट भी लेंगे। दीदी कैसी है? ठीक है, उसका इलाज चल रहा है। अरे क्या कर रहा है,
तुम्हारे टाके खुल जाएंगे बेटा। माँ मुझे दीदी से मिलना है। आपको पता है जब वो बदमाश दीदी को मार रहा था तो मैंने उससे फाइटिंग की और दीदी को बचाया। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं दीदी की रक्षा करूंगा। मैंने बिल्कुल सुपर हीरो की तरह उससे फाइट की और दीदी को बचाया। अब मुझे दीदी से मिलना है और मैं दीदी को ये भी बताऊंगा मैं कितना प्रेम हूँ। उसके छोटे चड्डी ने क्या काम किया, फिर मुझे छोटा चड्डी नहीं बुलाएगी ना। हाँ मुझे दीदी से मिलना है। नहीं बेटा, दीदी से अब नहीं मिल सकते क्योंकि दीदी को इलाज के लिए ना बड़े वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। तुम्हारे पापा भी दी के साथ ही है। बेटा पुलिस अंकल तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते। सर संभाल के, डॉक्टर ने कहा है कि उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, सिर्फ कुछ रूटीन सवाल ही पूछूंगा। बेटा आपने उस बदमाश का चेहरा देखा था? नहीं अंकल, चेहरा तो नहीं देखा अंकल। उसने ब्लैक कलर का हेलमेट पहना हुआ था, फिर भी मैंने उसको बहुत मारा। आराम से बेटा, धीरे। एक बार दीदी वापस आ जाएगी ना, फिर हम लोग पेशेंट की तरह बेड पे लेटे रहेंगे। फिर आप पूरे दिन हमारी देखभाल करना। हम आपको मदर नहीं सिस्टर बुलाएंगे। चल आप सो जाओ। फिर लगता है पापा दीदी को लेके आ गए। मिश्रा जी, हमें जो बाइक का नंबर मिला था वो पता करने पे मालूम हुआ उस बाइक को चोरी हुए 6 महीने हो चुके थे और बाइक के अभी के मालिक के बारे में कुछ पता नहीं चला। मिश्रा जी, लगता है ये मामला किसी दीवाने लड़के का है। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरी बेटी ऐसी नहीं है। दीदी, अंशुल बेटा, दीदी कहाँ जा रहे हैं? पापा, पापा दीदी नहीं आई। अंशुल बेटा, मैंने कहा था ना दीदी को आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ चल अब तो आराम कर ले। चल चल एक चल। मिनट बेटा, दीदी को आपने कभी किसी लड़के के साथ देखा था जो आपके दीदी को परेशान करता हो, जिसे देखकर आपकी दीदी डर जाती हो? इंस्पेक्टर साहब, अगर ऐसी कोई बात होती तो आदित्य घर पर आकर जरूर बताती। हाँ अंकल, एक लड़का था, हम एक दिन उसको देखकर भागे भी थे पापा। लेकिन आप दीदी को कुछ मत बताना कि मैंने आप लोगों को इस लड़के के बारे में कुछ बताया, क्योंकि मैंने दीदी से प्रॉमिस किया था कि मैं इस लड़के के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। बेटा आप उसकी चिंता मत कीजिए, जो भी है आप हमें खुलकर बताइए, जो भी जानते हैं, जो भी आपने देखा है कि उस लड़के ने आपकी दीदी पे किस तरह हमला किया है। लेकिन उसने तो मेरी दीदी पर पहले भी हमला किया है और दीदी ने कहा था उससे कि दीदी पुलिस को बुलाएगी, फिर वो मुझे देखकर डर के भाग गया। अंशुल, इतना सब कुछ हुआ और तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया? पापा मम्मी, मैं क्या करता, दीदी ने मना किया था। लगता है ये लड़का अदिति के पीछे काफी वक्त से पड़ा था, मतलब अदिति के किसी दोस्त या सहेली को इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात जरूर होगी। उनसे पूछताछ करके देखो। कभी अदिति ने तुमसे किसी लड़के के बारे में जिक्र किया, कोई जो उसे तंग करता हो, उसके पीछे पड़ा हो? नहीं सर, अदिति ने तो कभी कुछ ऐसा नहीं बताया। देखो कुछ छुपाना मत, उसका कोई बॉयफ्रेंड या फिर एक तरफा आशिक? नहीं सर, अदिति तो हमेशा हमारे साथ ही रहती थी, हमने कभी किसी लड़के के साथ उसे नहीं देखा सर। सर अदिति का नाम कभी किसी लड़के के साथ जुड़ा ही नहीं, उसका मन सिर्फ हमेशा पढ़ाई में ही रहता था। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जैन सर। या सर, अदिति के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? हाँ सर,
लेकिन उस रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिल सकता। जान पहचान वाले नंबर के अलावा बहुत सारे नंबर है सर, उस लड़के का नंबर ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। आ सीमा जी, हमको अदिति के कमरे की तलाशी लेनी है। ठीक है, आइए अंदर आइए। अच्छा, रूम की तलाशी लो। सर सारे रूम छान मारे पर कुछ नहीं मिला। अगर उसका फोन भी मिल जाता तो शायद पता चलता। बेटा, क्या आप और आपकी दीदी इसी रूम को शेयर करते थे? हाँ। क्या आपने कभी आपकी दीदी को किसी से बात करते हुए सुना था, गुस्से में या रोते हुए? कभी फोन पे किसी से झगड़ते हुए? हाँ, उस दिन जब पापा और मैं कार्टून देख रहे थे तब पापा ने बोला था कि अब पढ़ना है। जब मैं रूम में आया तो वो फोन पे बात कर रही थी, बोल रही थी कि अगर तुमने फिर से फोन किया तो मैं पुलिस को बता दूंगी। बेटा, कौन सी तारीख थी उस दिन? पता नहीं। बेटा याद करो ना। मम्मा, तारीख तो याद नहीं, लेकिन हाँ, उस दिन मैं अपना सुपर हीरो वाला कार्टून देख रहा था और अपने पीटी शूज कलर कर रहा था। तू तो वो ट्यूसडे और वेनसडे को अपने शूज कलर करता है, और ट्यूसडे को ही तुम्हारा वो सुपर हीरो वाला कार्टून आता है। सर, इसलिए वो अपना खाना भी जल्दी जल्दी खत्म कर देता है। वैसे ये कितने बजे के करीब पढ़ने बैठता है? बस वो कार्टून खत्म होते ही 8 बजे के आसपास। पटिया सर, मंगलवार को 8 से 9 बजे के बीच के अदिति के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो, हो ना हो ये वही लड़का है। एक 10 साल का मासूम भाई अपनी बहन पर हुए जानलेवा हमले की तह तक जाने के लिए बेचैन था। हालांकि इतनी कम उम्र में किसी बच्चे का इतने भयानक जुर्म का शिकार होना और उसका गवाह बनना किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अंशुल हर उस वाकये को अपने दिमाग में दोहराता जा रहा था जो उसकी बहन की इस हालत के लिए जिम्मेदार था। अंशुल की बातों से इतना तो साफ था कि कोई था जिसकी वजह से अदिति परेशान थी, कोई शख्स था जिसने अदिति का जीना मुहाल कर रखा था। पर कौन था? पुलिस उस गुमनाम शख्स को बेनकाब करने में जुटी थी और अंशुल एक अहम चश्मदीद गवाह के तौर पर इस गुमनामी की धुंध को साफ करने में जुटा था। बोल साहब, कोई पागल ही होगा जो 10 साल के छोटे बच्चे को मारेगा और उसकी बहन को। हमने नहीं मारा साहब। कैसे बेटा? बेटा यहां आओ। यहां बैठ। चॉकलेट खाओगे? नहीं। ठीक। बेटा, इन फोटोज को देखो और बताओ, क्या तुम इनमें से किसी को पहचानते हो? इसको देखो। नहीं। ये फोटो? के कॉल रिकॉर्ड्स के डिटेल्स ढूंढ रहे थे साहब, मिले क्या नहीं अभी तक? हाँ, उसका नाम कल का पता चल जाएगा। साहब जरा जल्दी कीजिए, देर होती जा रही है। आप चिंता मत कीजिए मिश्रा जी, हम उसे ढूंढ निकालेंगे।
सर आदिति के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। उस दिन शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक उसे दो ही कॉल आ गए थे। एक उसके कजिन का था गोरेगांव से और दूसरा था किसी गुनीत का बोरीवली से। बोरीवली तो अदिति के घर से काफ़ी दूर है, फिर वो बोरीवली में किसी को कैसे जानती है? सर मैंने सीमा जी से क्रॉस चेक किया है, अदिति के कोचिंग क्लासेस बोरीवली में भी है। सर यस सर। हेलो सीधा बैठो अंदर। अरे सब चल अंदर। साहब मुझे नहीं पता साहब आप क्या बोल रहे हो, मैं किसी अतिथि को पहचानता तक नहीं हूँ साहब, मैं उस पर हमला क्यों करूंगा साहब? साहब मैं एक मामूली गैरेज मैकेनिक हूँ साहब, ये हमले वमले मैं नहीं करता साहब। 12 जुलाई की शाम को 8 और 9 के बीच तुमने इस लड़की को फोन किया था, क्या था कि नहीं किया था? साहब मैं इसको पहचानता ही नहीं तो मैं इसको क्यों फोन करूंगा साहब? उस रात को तुम कहाँ थे? दोस्त क्या पार्टी में गया हुआ था साहब। तुम्हारे सभी दोस्त लड़के ही हैं? सब लड़के हैं साहब। उस वक्त तुम्हारा मोबाइल कहाँ था? तुम्हारे पास ही था? हाँ साहब, बस एक फोन करने के लिए जस्सी ने फोन लिया था साहब। ये जस्सी कौन है? सब दोस्त है साहब, उसने बोला उसको किसी दोस्त को फोन करना है और उसके फोन में बैलेंस खत्म हो गया था साहब, इसलिए वो मेरा फोन लिया। उसके पास काले कलर की बाइक है? हाँ साहब। और देखते ही मुझे उससे सच्चा वाला प्यार हो गया था सर, उसके बिना जी नहीं सकता था मैं सर। एक बार मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी सर, पर एक्सक्यूज मी अति जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए मैं अनजान लोगों से बिल्कुल बात नहीं करती। लेकिन सुनिए ना, आप मेरे लिए अनजान नहीं है, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? भाई तेरी गर्लफ्रेंड और ये दूसरा लड़का कौन है? भाई ये तेरी गर्लफ्रेंड को कोई और ले उड़ा। चुप करना भाई, तू कुछ कर नहीं तो तू यहीं खड़ा रह जाएगा और वो तेरी गर्लफ्रेंड को ले जाएगा। ले काम कर, तो बेटा मैं आता हूँ। और उस दिन मैंने ठान लिया कि आर या पार होकर रहे। समझी कोशिश क्यों नहीं करी? हाँ छोड़ो मेरा, मैं देखिए ये आदमी देखिए मुझे परेशान कर रहा है। अरे आप अपना काम कीजिए ना, उन्हें बीच में क्यों लेके आती है? मैं उसे प्यार करता था, इसलिए मैंने फैसला कर लिया सर कि मैं इसे अपने इश्क की इंतहा जरूर समझाऊंगा। लड़की पे हमला करके तुझे लगता है तूने बड़ी मर्दों वाली काम किया है ना, लेकिन असलियत ये है
कि तुझसे बड़ा नामर्द मैंने नहीं देखा। एक बेचारी लड़की और उसके मासूम भाई पे हमला करके अपना प्यार जताता है। अरे तुझ जैसे नामर्द से कोई लड़की कैसे प्यार कर सकती है? अंशुल इधर आ, मैं बांध देती हूँ। दीदी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खुद ही बांध लूंगा। हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत बड़ा हो गया, इधर आ। लेकिन मुझे तेरी टाई बांधने में बहुत मजा आता है। अगर इतनी जिद कर रही हो ना तो बांध। ये हुई ना बात। भाई कम खिलौना ज्यादा है, ये तो मेरा गुड्डा है गुड्डा। और ये दूसरा बेबी अवार्ड जा रहा है मास्टर अंशुल मिश्रा को। उन्होंने अपनी खुद की जान पर खेलकर अपनी बहन अदिति मिश्रा की जान बचाने की पूरी तरह से कोशिश की है और इसी मदद से पुलिस मुजरिम को पकड़ने में कामयाब रही। उनके इसी शौर्य की वजह से उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवार्ड दिया। लेकिन मेरा सबसे बड़ा अवार्ड होता अगर आदित्य दीदी मेरे बगल में खड़ी होती। मैं अपनी दीदी को बचा नहीं पाया, लेकिन मुझे तसल्ली है कि अब किसी और अंशुल को अपनी आदित्य दीदी को खोना नहीं पड़ेगा। मेरी मम्मी कहती है कि दीदी मुझे आसमान से देख सकती होगी। अगर वो सच में देख सकती है तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आदित्य दीदी आई मिस यू, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अंशुल शर्मा अपनी बहन को तो नहीं बचा पाया, लेकिन उसके कातिल को पकड़वाकर उसने न जाने कितनी बहनों की जानें बचा ली। उसने दुनिया को दिखा दिया कि बहादुरी के लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन ये कैसी मोहब्बत है कि इंसान अपने ही प्यार को नुकसान पहुंचाए, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे, उसकी जान तक ले ले। ये प्यार नहीं सिर्फ जुनून है। प्यार से तो इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। प्यार तो एक बेहद नाजुक एहसास है जिसमें आपसी सहमति से रिश्ता बनाया जाता है, जोर जबरदस्ती से नहीं। लेकिन अफसोस जैसे जैसे गुमराह नौजवान अपनी वासना और अपने अहम को प्यार का नाम देकर प्रेमी होने का दावा करते हैं और किसी लड़की को हासिल करने के लिए अपराध का सहारा लेते हैं, अपने परिवार की लाडली और होनहार अदिति को एक आपराधिक मानसिकता वाले शख्स ने अपने एकतरफा प्यार की आग में खत्म कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने इस आग में अदिति के पूरे परिवार को झुलसा दिया। लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में अदिति अकेली लड़की नहीं है। आज सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले लोगों की विकृत सोच और उनके दुराचार की शिकार हो रही है। मेरी सभी नौजवानों से विनती है कि प्यार के भाव को समझने की कोशिश करें। ये कोई बाजी नहीं है जिसमें आपकी हार और जीत तय हो। सच्चा प्रेमी तो वो है जो हर हाल में अपने प्यार की सलामती और उसकी खुशी की दुआ करे। उसका बुरा तो वो कभी सोच भी नहीं सकता। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान इंडिया।